हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं कच्चे हरे टमाटर की चटनी। इसके लिए हम इसको धुल करके अच्छे से पोंछ लेंगे, फिर हम इसको आग पे चढ़ा देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। अलग पलट देंगे एक दो बार ताकि ये आगे पीछे सब जगह से अच्छे से पक जाए। और ठंडियों में हरे टमाटर की चटनी का टेस्ट ही अलग होता है। आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे और टमाटर रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हरे टमाटर की चटनी बनाई जाए, जो कि आलू के पराठों के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये टमाटर हमारे आधे पक गए, इनको पूरी तरह पका के हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको अच्छे से छील लेंगे। और छीलने के बाद हम हरी धनिया, अदरक, नमक, हरी मिर्च और एक दो कली लहसुन की देके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा छीलने में लगता है, लेकिन टेस्ट के आगे ये कुछ नहीं है। और ये हमारे टमाटर छिल चुके हैं, अब हम इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आपको थोड़ी मोटी चटनी चाहिए तो महीन चटनी पीस के, मुझे थोड़ी महीन पसंद है क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा ये चटनी बनके तैयार है। आप भी ट्राई करिए और कमेंट में बताइए आपको ये चटनी कैसी लगी।